हेलो एंड वेलकम टू सक्सेस मंत्रा। तो स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पे। तो एक बहुत बड़ा वर्डिक्ट आया है सुप्रीम कोर्ट का इन केस ऑफ एएमयू, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। ठीक है, और बहुत दिनों से अवेटेड था ये, लगभग 2006 के बाद से पेंडेंसी चल रही थी। और एक फरवरी को, मतलब जो सुप्रीम कोर्ट है उसने अपना फैसला क्या कर लिया था, राइट ऑफ कर दिया था। एंड उसके 9 महीने बाद, है ना, 8 अक्टूबर को, 8 नवंबर को इस फैसले को सुनाया। तो क्या है इस फैसले में और कैसे कंडीशंस चेंज होती हैं एएमयू के लिए और अदर माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन के लिए, सब कुछ इन डेप्थ डिस्कस करेंगे। तो एक्चुअली देखो, 8 नवंबर को एक फैसला आता है सुप्रीम कोर्ट के 7 जजों की जो पीठ है ना, बेंच है ना, वो ये फैसला देती है 4-3 के मार्जिन से, यानी कि 4 जजेज फेवर में होते हैं इस फैसले के और 3 जजेज अपोजिट में होते हैं। एंड सुप्रीम कोर्ट कहता है कि देखो, किसी भी यूनिवर्सिटी के या किसी भी इंस्टीट्यूशन के माइनॉरिटी होने के जो पैरामीटर हैं वो क्या-क्या हैं, है ना, ये हम डिसाइड कर दे रहे हैं। हम ये डिसाइड नहीं कर रहे कि एएमयू एक माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है या नहीं है, ये फैसला हम छोड़ते हैं, है ना, 3 जजों की बेंच पर, जो एक रेगुलर बेंच बनाई जाएगी, 3 जजेज की रेगुलर बेंच, उसमें सुनवाई होगी, वो डिसाइड करेंगे, है ना, कि जो एएमयू है ना, वो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है या नहीं है। ठीक है, तो हम इसमें नहीं जा रहे हैं कि एएमयू माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है या नहीं है, ठीक है, बट हम एक कुछ पैरामीटर्स हैं जो डिसाइड कर देते हैं, है ना, ताकि जो 3 जजेज की जो रेगुलर बेंच बनेगी उसको फैसला लेने में आसानी हो। तो इस पीठ ने फैसला दिया, ठीक है, 4 लोग इसके सहमति में थे, तो डिसीजन जो है आसानी से क्या हो गया, पास हो गया। और 3 जजेज क्या थे, अपोज में थे, उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा कोई पैरामीटर नहीं हो सकता, है ना, और जो एएमयू है वो एक माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है ही नहीं। तो 3 जजेज जो इसके अपोज में थे, है ना, वो ये थे, ठीक है, आपके जस्टिस सूर्यकांत जी और जस्टिस दीपांकर दत्ता जी और जस्टिस एससी शर्मा। इन तीनों ने कहा कि भाई हम एएमयू को मानते ही नहीं है, है ना, बेकार की बहस में मत पड़ो, पैरामीटर वगैरह, है ना, तय करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, एएमयू, है ना, है ही नहीं एक माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन। बाकी जो हमारे चीफ जस्टिस थे, लास्ट डे था और इनका लास्ट डिसीजन था, है ना, इनका फैसला, और जो हमारे सीजीआई डेजिग्नेट थे, अब सीजीआई बन गए, संजीव खन्ना, जस्टिस संजीव खन्ना एंड जेबी परदीवाला एंड मनोज मिश्रा, इन्होंने एक डिसीजन दिया कि भाई हम पैरामीटर तय कर देते हैं कि क्या क्या पैरामीटर होने चाहिए। तो देखो, पहले क्या पैरामीटर थे, पहले एएमयू का क्या स्टेटस था, ये डिस्प्यूट कहाँ से शुरू हुआ, ये जानना सबसे पहले बहुत ज़रूरी है, ठीक है। देखो, ये स्टोरी शुरू होती, सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, और ये स्टोरी शुरू होती है 1965 से, जब जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो क्या करती है, जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के जो लॉज हैं उनमें चेंज करती है, एएमयू के लॉ में चेंज करती है, जिससे एएमयू का जो माइनॉरिटी स्टेटस जो से पहले मिला हुआ था वो छिन जाता है, ठीक है। अब इस डिसीजन के, सेंट्रल गवर्नमेंट के डिसीजन के अगेंस्ट में एक पर्सन है एस वासा, अजीज वासा, ये जाते हैं मतलब सुप्रीम कोर्ट, 5 जजों की बेंच बनती है, वहां जाते हैं एंड बोलते हैं कि नहीं, ये तो बिल्कुल गलत है कि माइनॉरिटी, पहले माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन थे और आपने किस बेसिस पे, है ना, इस स्टेटस को छीन लिया। तो 5 जजों की बेंच, मतलब मेजोरिटी के साथ, ये फैसला देती है कि भाई जो एएमयू है ना वो है ही नहीं एक माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन। रीजन इसके पीछे ये दिया गया था कि देखो, माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन, है ना, माइनॉरिटीज के द्वारा बनाया जाता है, ठीक है, जबकि जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है उसकी जो एस्टेब्लिशमेंट है वो एक एक्ट के थ्रू हुई थी, एएमयू एक्ट के थ्रू हुई थी, 1920 में पास हुआ था। तो दैट इज वाई अगर कोई यूनिवर्सिटी, कोई इंस्टीट्यूशन सेंट्रल गवर्नमेंट के या सरकार के लॉ से बना हुआ है तो वो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन हो कैसे सकता है। तो दैट इज भाई उस समय जो सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की जो बेंच थी उसने 1967 में एएमयू का जो माइनॉरिटी स्टेटस है वो खत्म कर दिया बिल्कुल, ठीक है, उस पर विराम लगा दिया कि एएमयू माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है ही नहीं। लेटर ऑन जब 1981 में इंदिरा गांधी जी आई दोबारा से पावर में, है ना, तो वोट बैंक के प्रेशर के कारण क्या हुआ, उन पे प्रेशर पड़ा एंड उन्हें माइनॉरिटी को दोबारा से, जो एएमयू है उसको दोबारा से माइनॉरिटी और इंस्टीट्यूशन का दर्जा देना पड़ा। मिल गया ये दर्जा, सब कुछ ठीक चल रहा था, है ना, एंड कहानी शुरू होती है फिर से दोबारा 2006 में, ठीक है। तो 2006 में जब एएमयू, है ना, अभी हम जानेंगे कि माइनॉरिटी, एएमयू क्यों डेस्परेट है कि माइनॉरिटी का दर्जा चाहिए, क्यों लोग चाहते हैं कि भाई उनके जो यूनिवर्सिटीज हैं, इंस्टीट्यूशन है, उनको एक स्पेशल ट्रीटमेंट मिले, ठीक है। तो 2006 में एएमयू में क्या होता है, मुस्लिमों के लिए 50% का जो रिजर्वेशन है वो लागू कर दिया जाता है, और इसके खिलाफ एक पर्सन,
है ना, हाईकोर्ट चला जाता है, इलाहाबाद हाईकोर्ट चला जाता है। एंड इलाहाबाद हाईकोर्ट क्या करती है, जो 1981 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो अमेंडमेंट किया था एएमयू एक्ट में, उसको क्या कर देती है, कैंसिल आउट कर देती है और कह देती है कि नहीं, ये जो अमेंडमेंट किया गया था बाद में प्रेशर में किया गया था, है ना, एएमयू को हम एक माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन या माइनॉरिटी यूनिवर्सिटी नहीं मानते, ठीक है। उसके बाद जो है एएमयू जो है वो मूव कर गया सुप्रीम कोर्ट की तरफ, एंड बाद में रंजन गोगोई चीफ जस्टिस थे, उन्होंने क्या करा, 7 जजों की बेंच को इसको रेफर कर दिया और 7 जजों की बेंच ने इस पर फैसला दिया, ठीक है। ये बात नोट करो कि भाई अभी जो सुप्रीम कोर्ट है ना, उसने माइनॉरिटी या मेजॉरिटी इंस्टीट्यूशन डिक्लेयर नहीं किया एएमयू को, ठीक है, सिर्फ पैरामीटर्स तय किए गए हैं, ठीक है। जैसे पहले पैरामीटर क्या थे, 5 जजों की बेंच ने किस आधार पर, किस बेस पर, है ना, एएमयू को माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन मानने से मना कर दिया था, तो उन्होंने सीधे बोला था कि जो एएमयू है ना, उसकी जो एस्टेब्लिशमेंट है, फाउंडेशन है, वो एक्ट के द्वारा हुई है, एक्ट बनाया सरकार ने, तो ये जो इंस्टीट्यूशन है वो माइनॉरिटी कैसे हो गया, ठीक है। बट इस बार सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ठीक है ना, बनाया होगा, बट जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है वो बेसिकली था क्या, है ना, माओ मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज 1875 में किसने बनाया था इस कॉलेज को, सर सैयद अहमद खान ने बनाया था, ठीक है। तो जो सुप्रीम कोर्ट है वो कह रहा था कि देखो एएमयू तो 1920 में बनाया ना, इससे पहले तो एएमयू को क्या बोला जाता था, मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज कहा जाता था, ठीक है, और इसको किसने बनाया था, ठीक है, सर सैयद अहमद खान ने बनाया था, ठीक है। तो हमें जरूरी नहीं है कि हम हर चीज सरकार के परस्पेक्टिव से देखें, है ना, हर चीज हम एक्ट के परस्पेक्टिव से देखें, हमें फाउंडर की तरफ भी जाना पड़ेगा ना, है ना, कि फाउंडर कौन था, तो फाउंडर जब माइनॉरिटी था, ठीक है, और उसने क्यों बनाया था, मोहम्मद एंग्लो, है ना, ओरिएंटल कॉलेज क्यों बनाया था सर सैयद अहमद खान ने, उनका आर्ग्यूमेंट ये था कि जो मुस्लिम है ना, उनको बेसिक जो है ना, जो रिलीजियस एजुकेशन है उससे निकाल कर साइंटिफिक एजुकेशन की तरफ भी लेके जाने का उनका प्लान था, दैट इज वाई उन्होंने मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की थी। तो उन्होंने कहा था कि जब फाउंडर इसका एक मुस्लिम था, है ना, माइनॉरिटी था, एंड उसका जो इंटेंशन था वो माइनॉरिटी का क्या करना, कल्याण करना था, तो फिर है ना, क्यों ना इसको माना जाए माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपनी राय दी थी, है ना, एंड आर्टिकल 30 को भी रेफर किया गया कि भाई आर्टिकल 30 है ना क्या कहता है, आर्टिकल 30 क्या कहता है, एग्जाम्स में, बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा जाने वाला है, आर्टिकल 30 क्या कहता है, कि जो रिलीजियस और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी है ना, वो अपने मनपसंद का जो है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ प्रोविजन दैट सेफगार्ड वेरियस राइट ऑफ द माइनॉरिटी कम्युनिटी इन कंट्री, कीपिंग इन माइंड द प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी एज वेल, ठीक है। आर्टिकल 31 है ना, कई सारे हैं, 31, 31A, 32 है ना, ये क्या कहता है कि माइनॉरिटी वेदर बेस्ड ऑन रिलीजन और लैंग्वेज शैल हैव द राइट टू एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ देयर चॉइस, ठीक है। तो आर्टिकल 30 ये राइट दे रहा है उन्हें। आर्टिकल 30 ये क्या कह रहा है, डील्स विद द फिक्सेशन ऑफ अमाउंट ऑफ एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी, मतलब कि कितनी प्रॉपर्टी एक्विजिशन करनी है ना, फॉर एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एस्टेब्लिश्ड बाय माइनॉरिटी ग्रुप, है ना। आर्टिकल 32 भी सेम वही बात करता है कि गवर्नमेंट क्या है, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगी। आर्टिकल 32 कहता है कि कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगी गवर्नमेंट, है ना, जब वेलफेयर करते टाइम या फंडिंग देते टाइम, स्टेट दैट द गवर्नमेंट शुड नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑन द ग्राउंड दैट इज अंडर मैनेजमेंट ऑफ माइनॉरिटी वाइल गिविंग एड, ठीक है। तो इसको बहुत अच्छे से नरेट किया जो इस बार सुप्रीम कोर्ट की जो 7 जजेस की जो बेंच थी, और इसी आधार पर उनके मानक तय किए गए, बताए गए कि भाई फाउंडर की तरफ भी देखो, आर्टिकल 13 की तरफ भी देखो, तो ये कुल मसला है, ठीक है। तो अभी कोई फाइनल वर्डिक्ट नहीं आया, अभी भी लटका हुआ ही है ना, ऐसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ने माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन डिक्लेयर कर दिया है, तो अभी माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन डिक्लेयर नहीं हुआ है एएमयू, बट पैरामीटर्स बता दिए गए हैं, है ना, जिसका फैसला आप कौन करेगी, 3 जजेस की एक रेगुलर बेंच बनेगी, वो इस पर फैसला करेगी, ठीक है, ठीक है। अब देखो क्यों चाहिए एएमयू को माइनॉरिटी स्टेटस, बन जाओ ना मेजॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बन जाओ, वाई वाई दिस माइनॉरिटी स्टेटस, वाई एएमयू वॉन्ट दिस माइनॉरिटी स्टेटस। देखो जब आप माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन बन जाते हो, कोई माइनॉरिटी स्टेटस मिल जाता है आपके इंस्टीट्यूशन को, तो आपको बहुत सारे एग्जम्पशंस मिल जाते हैं, आर्टिकल 30 का हमने आपको बता दिया, एंड आर्टिकल 15 के तहत भी बहुत सारे आपको
एक्सेप्शन मिल जाते हैं। जैसे आर्टिकल 15(5) क्या कहता है कॉन्स्टिट्यूशन का, कि भाई जो माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है ना, माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, ठीक है, ये क्या है, एग्जम्प्ट है ना, इनको इनके ऊपर प्रेशर नहीं होगा कि ये एससी एसटी के लिए सीट रिजर्व करें या ना करें, ठीक है। तो इनको जो आम रिजर्वेशन है कि जनरल के लिए इतनी रिजर्व करनी पड़ेगी, है ना, ओबीसी के लिए इतनी, एससी के लिए इतनी, एसटी के लिए, ये उससे फ्री हो जाते हैं, ठीक है। तो रिजर्वेशन फ्री हो जाते हैं, ये अपने हिसाब से रिजर्वेशन दे सकते हैं। तो आर्टिकल 55 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एग्जम्प्ट माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर रिजर्विंग सीट फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब, ठीक है। तो ऐसे ही सेम एएमयू का था, एएमयू में क्या था, 50% जो रिजर्वेशन था वो मुस्लिम्स के लिए था, एससी एसटी कोटा यहाँ पे होता नहीं था। दैट इज वाई, है ना, एएमयू चाहता है कि जो उसका जो माइनॉरिटी स्टेटस है वो बरकरार रहे, है ना। दैट इज वाई वो बहुत ज़्यादा से ज़्यादा जो मुस्लिम कैंडिडेट हैं, बच्चे हैं, उनको एडमिशन दे पाए। और ये जो जो आपका कैटेगरी बेस्ड रिजर्वेशन है, इससे कम से कम इसको दूर रखा जाए। तो इसकी वजह से ये सारी जद्दोजहद हो रही है। तो आई होप आपको ये मामला पूरी तरह से समझ में आया होगा। तो इस सेशन में हम लोग इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू।